विदिशा के लोक निर्माण विभाग कार्यालय में आरटीआई कार्यकर्ता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। गुरुवार की देर शाम शहर का व्यस्ततम इलाका रामद्वारा क्षेत्र में स्थित लोक निर्माण विभाग के कार्यालय परिसर के अंदर मुखर्जी नगर निवासी 40 वर्षीय रंजीत सोनी की अज्ञात व्यक्ति द्वारा सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद आरोपी भाग गया। घटना की जानकारी लगते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कुछ देर बाद ही SSP समीर यादव भी घटनास्थल पर आए। फॉरेंसिक टीम द्वारा तमाम तथ्य जुटाए जा रहे हैं। वहीं चली हुई गोली को भी बरामद किया गया है। SSP समीर यादव ने बताया कि मृतक रंजीत सोनी मुखर्जी नगर का रहने वाला है। वह RTI एक्टिविस्ट के रूप में काम करता था। मौके से तमाम तथ्य जुटाए जा रहे हैं। CCTV फुटेज देखे जाएंगे। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी कुछ देर पहले इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर काम करते थे RTI के अंतर्गत जानकारी लेने का रंजीत सोनी, इनकी यहाँ पर गोली मार करके हत्या की गई है। रामाकसी पुलिस ने अभी उनकी बॉडी को यहाँ पर से हॉस्पिटल भिजवा दिया है ताकि पोस्टमार्टम कराया जा सके। और इस मामले में हम अभी तत्काल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुके हैं। जो भी फैक्ट्स होंगे उसके मुताबिक कार्रवाई भी करेंगे और शीघ्र ही जो आरोपी है उसको हम पकड़ेंगे। बैग में कुछ दस्तावेज मिले हैं उसके बारे में हम जानकारी अभी देते हैं। RTI से संबंधित हो सकते हैं क्या वो कागज? जी हाँ, जैसे यहाँ जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि प्रथम दृष्टया कि वो RTI से जुड़े हुए थे, RTI एक्टिविस्ट थे, वो देखने में अभी और उसका एग्जामिन करने के बाद बता सकते हैं।